टेकिंग अगेन। एक्चुअली ना बहुत दिनों बाद उस दिन परसों सभा और मेरी बात हो रही थी, तो सभा ने फरमाइश की बहुत दिनों बाद, क्योंकि बेचारी ने डर डर के डायरेक्ट फरमाइश नहीं की। उसने मुझसे पूछा कि भाभी आप बनाना ब्रेड कैसे बनाते हो, एंड अगर आपकी रेसिपी है या कोई रेसिपी है जो आप फॉलो करते हो तो मुझे प्लीज वो भेज दो। तो मैंने भेज भी दिया। फिर मैंने बाद में बोला तुझे खाने तेरा मन है मैं बना दूं, तो फिर दादी हाँ टाइम होगा तो बना दो। एक्चुअली सबको पता है कि रुहान के साथ मेरा जो शेड्यूल है बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, इसलिए उसने डायरेक्ट नहीं बोला। तो मैंने बोला कि नहीं मैं टाइम निकाल के बना दूंगी, और मैं दो दिन बाद इसीलिए बना रही हूँ। ये मैं आप सबको भी बोलना चाहूंगी कि अगर आप बनाना केक ब्रेड कुछ भी बनाने का सोच रहे हो ना, तो आपको एक दो दिन पहले की प्लानिंग लेके चलना होगा, या जब मन करे तो अपने मन को दो दिन रुकना पड़ेगा, क्योंकि बनाना तब तक फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा या आपका केक मॉइस्ट नहीं बनेगा जब तक बनाना थोड़े ओवर राइप ना हो। अभी भी मेरे जो बनाना है वो पूरी तरह से रेडी नहीं है। जैसे मैंने ये पेपर में रैप करके परसों मंगवाए थे, और पेपर में रैप करके मैंने ये अब ऑफ ओवन के अंदर ऑब्वियसली छोड़ दिए थे दो दिन के लिए, तो इतने हुए हैं। बट अगर वो तो ना हमारे फेंकने पे सॉरी पर जब बहुत गल जाते हैं बनाना, कहने का मतलब ये है उस वक्त आपको केक बनाना चाहिए, तो बहुत ही अमेजिंग बनता है केक मफिन जो भी। लेकिन फिलहाल मैंने ये सभा के लिए जो बैटर है वो कर दिया है रेडी बनाना ब्रेड का, और अब मैं इसे डाल दूंगी ओवन में। और मैं अपने लिए, अब मैं बना ही रही हूँ ऑब्वियसली तो मेरी भी नियत तो लगी जाएगी, तो मैं सभा को ये प्लेन वाली ब्रेड चाहिए थी, मैं अपने लिए आज चोको बनाना वॉलनट ब्रेड बनाने वाली हूँ, तो वो आपके साथ फटाफट शेयर की जाएगी, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है मैंने अब तक शेयर नहीं की है। तो चलिए इसको पहले ओवन में डालते हैं, ओवन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स ये है 1 कप एंड 3/4 कप मेजरिंग कप, आप जानते हैं मैं हमेशा वही यूज़ करती हूँ। तो उसमें जो आपका 1 कप होगा वो फुल एंड 3/4 कप ऑफ मैदा, और इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग सोडा ओके नॉट बेकिंग पाउडर। एंड नाउ टाइम टू ऐड 1/4 कप ऑफ कोको पाउडर, जो बेकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं अनस्वीटेंड कोको पाउडर, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। और इसे हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करके साइड में रख लेंगे। और अब ना आप थोड़े से वॉलनट्स जो हैं उन्हें टोस्ट करके साइड में रख लेना, मैंने लगभग 2 मुट्ठी लिए हैं। चलिए नाउ टाइम फॉर वेट इंग्रेडिएंट्स, तो यहाँ मैंने लिया है बटर, मैंने सॉल्टेड बटर लिया है 125 ग्राम्स, और इसमें मैं डालूंगी 3/4 कप ऑफ ब्राउन शुगर। इस केक में ब्राउन शुगर यूज़ होती है, येस नॉट वाइट शुगर, ठीक है। अब हम लेंगे 2 eggs और उन्हें 1 by 1 हम इसमें डाल देंगे। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपके सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, चाहे वो बटर हो चाहे वो एग हो, ओके ये प्लीज़ याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। टाइम टू whip अच्छे से, ये जब तक एकदम क्रीमी मिक्सचर नहीं बन जाता है तब तक हम इसे whip करते रहेंगे। बोल में आसपास जो बैटर लगता रहेगा उसे इस तरीके से एक रबर स्पून से आप क्लियर करते रहिएगा। ये है हमारी परफेक्ट कंसिस्टेंसी दैट वी हैव रीच्ड, बहुत ही अच्छा क्रीमी हो जाता है ये पूरा बैटर, एंड एटलीस्ट इसे 10 टू 15 मिनट्स लगते हैं। एंड नाउ टाइम टू ऐड मैश्ड बनानास, जो पहले ही आप मैश करके साइड में रख लीजिएगा। तो ये मैंने 4 बनानास लिए हैं जो मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ये ज़्यादा देर तक विप मत कीजिएगा, जस्ट लिटिल जब तक पूरा एक साथ जो है घुल जाए। चलिए अब विपिंग मशीन की कोई ज़रूरत नहीं, उसे आप हटा सकते हैं। अब ये जो ड्राई मिक्स हमने साइड में रखा था उसे हम पूरा का पूरा ऐड कर देंगे, और इसे आप एक रबर स्पून या एक स्पैटुला या जो भी आप यूज़ करें उससे आप अच्छे तरीके से सिर्फ इस तरीके से मिक्स करते रह सकते हैं। धीरे 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 जो है पूरा बैटर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। देखिए चलिए हमारा बैटर रेडी है। नहीं, अभी हमने इसमें डालने हैं वॉलनट्स, ये जो हमने सबसे पहले रोस्ट करके थोड़े से हैंड से तोड़ के रख लिए थे, इसको हम इसमें डाल देंगे, फिर से हम इसको फोल्ड इन कर लेंगे, एंड नाउ वी आर रेडी टू पुट इट इन द डिश। ओवन प्रीहीट होके रेडी है, अब मैं इसमें ऊपर से डालूंगी थोड़े से चोको चिप्स और इसे डाल दूंगी बेक होने के लिए एट 180 डिग्रीज फॉर 30 मिनट्स, लेकिन हमें उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। सॉरी लोफ का फोटो तो मैंने लिया नहीं, ये लीजिए आप यहाँ से केक का जो है वो क्लोजर लुक ले लीजिए। इस तरीके से बहुत ही ब्यूटिफुली मेरा केक जो है प्रॉपर बेक हुआ है, ये देखिए अंदर का लुक।
हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि दीपिका की स्पेशल बनाना केक रेसिपी को, और आप बताना कि आपको कैसी लगी, और आप जरूर ट्राई करना। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।